है हम अलजबरा की ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके पार्ट वन को, कि हम अलजबरा के लेंथी क्वेश्चंस को बिल्कुल कुछ सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं एमसीक्यूज के लिए। हमारे पास ट्रिक नंबर वन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमारे पास इक्वेशंस गिवन होती हैं, एक हो सक दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी इस ट्रिक में हम सिर्फ दो इक्वेशंस को यूज़ करेंगे उनकी। अब आपको तो पता है कि एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, एलिमिनेट करें, ये मेथड बहुत लेंथी होता है। अगर आपके पास एमसीक्यू उसमें इक्वेशंस आ जाते हैं, आपको वो कहा जाता है एक्स और वाई का वैल्यूज निकाले, तो बहुत लेंथी होता है और लोग नहीं करते, जिस वजह से कम टाइम सेम टाइम आंसर गलत हो जाता है। लेकिन ये ट्रिक आपको कुछ सेकेंड में एक्स और वाई का आंसर निकालना बताएगी। आपने इक्वेशंस को लिख लेना है, आप कोई भी इक्वेशन ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, आपने एरोस को फॉलो करना है। और हम सबसे पहले एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे एरो को फॉलो करते हुए। टू को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी इक्वल 22। आपने अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हमने माइनस का साइन यूज़ करना है सेंटर में। फिर 10 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, सेकेंड एरो को आप अगर फॉलो करो तो हमारे पास 10 आ गया, 22 - 10 ओवर। फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, थर्ड एरो को फॉलो करते हुए, तो हमारे पास यहाँ पे 10 आ गया। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि हम माइनस का साइन यूज़ करें प्लस करें। फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 4 आएगा। यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, ये 14 नहीं 4 है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 22 - 10 12 एंड 10 - 4 इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं कि कुछ सेकेंड्स में, 5 से 10 सेकेंड्स में हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। अब आपने इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन वन या इक्वेशन टू में सब्सटीट्यूट कर देना, ये आपकी मर्ज़ी आप कौन सी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन टू में सब्सटीट्यूट किया एक्स की वैल्यू 5 × 2 + y इज़ इक्वल टू 11। सब्सटीट्यूट करने के बाद वाई इक्वल हो गया 11 - 10 के, और यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई वाई इज़ इक्वल टू 1। आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप एक्स और वाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास राइट और लेफ्ट साइड इक्वल आ जाएगी। ये होते हैं उसके लिए विद इन सेकेंड्स में अपना टाइम सेव करके ना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सके, ये उसके लिए बेनिफिट है। तो आज की जो ट्रिक है वो है एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू ए। अब आप यहाँ पे सिंबल याद रखें, बीच में हम प्लस का साइन यूज़ करें उस, और ए हमारे पास यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट, और हमें कहा जाता है कि आपने स्क्वायर रूट में इसका आंसर निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, इसी तरह क्यूबिक रूट में इसका आंसर निकालना है। एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, और इसी तरह फोर्थ स्क्वायर रूट में इसका आंसर निकालना है। तो आपके पास जो इसके फॉर्मूलाज गिवन होंगे आपने बस उसमें वैल्यूज पुट करनी और आपके पास विद इन सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर वो इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस टू के। ए यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट, आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है और आपके पास स्क्वेयर रूट का आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्यूबिक में हमारे पास जो आंसर होता है वो उसकी वैल्यू इक्वल होती है ए क्यूब माइनस सी ए। आपने बस इस वैल्यूज को याद रखना है, और यह फोर स्क्वेयर रूट में ए फोर माइनस फोर ए स्क्वेयर प्लस टू। बस आपने ये फॉर्मूलाज को याद रखना और इसमें वैल्यूज़ को पुट करते जाना और आपके पास इनके आंसर आ जाएंगे। आप इसको एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं, एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू फोर। अब फोर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, माइनस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस टू। ए हमारे पास यहाँ पे फोर है, आपने फोर पुट करने उसको स्क्वेयर ले लिया और सॉल्व करने से आंसर आ गया 14। इसी तरह क्यूबिक के लिए करना है ए क्यूब माइनस थ्री ए इसका, और ए की वैल्यू पुट कर दिया आपने फोर, ए का फोर का क्यूब लिया और माइनस थ्री इंटू फोर कर दिया, तो इसका आंसर 52 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है फोर स्क्वेयर रूट, आपने यहाँ पे एक जहाँ पे है वहाँ पे आपने फोर की वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर 2 आ गया। अब यहाँ पे जो प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, इस तरह की इक्वेशंस दी जाती है और कहा जाता है कि ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करें। अभी बहुत लेंथी हो जाता है कि हम पहले ए बी और सी को स्क्वेयर फाइंड करें, फिर आपस में मल्टीप्लाई करें, तो काफ़ी लंबा मेथड हो जाता है। लेकिन जो आज की ट्रिक है वो आपको 10 to 15 सेकेंड्स में बताएगा कि आप इसको एमसीक्यूज के लिहाज से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होंगी और हमने इस डिफरेंस के तरीके से वैल्यू में कितना डिफरेंस है उस तरीके से हम उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू 20 है, बी की 22 और सी की 24, और कहा गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इक्वेशन लिख दी गई है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
सॉल्यूशन अब इसमें क्या है कि डिफरेंस फाइंड करना है, आपने 3 लिखना है और डिफरेंस लिखना है जो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ है उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, हमारे पास 2 का डिफरेंस आ रहा है तो आपने डिफरेंस की जगह 2 लिख देना है और 2 का स्क्वायर ले लेना है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12, तो ये हमारे पास इसका 12 आंसर आ गया है। बहुत ईजी ट्रिक थी कि इस लेंथी क्वेश्चन को आप कैसे 10 to 15 सेकेंड्स में सॉल्व। प्लस 1 ओवर एक्स ए इक्वल टू बी, अब प्लस में क्वेश्चन कहा जाता है फाइंड करें इसका आंसर माइनस में, तो आप किस तरीके से माइनस में 4 इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे आपने बस सिंपल बी की वैल्यू पुट करनी है, उसका स्क्वायर रूट लेना और माइनस कर देना है 4 से। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें अगर हमें माइनस में क्वेश्चन गिवन है और कहा जाता है प्लस में आंसर फाइंड करें, तो उसके लिए कौन सा क्वेश्चन यूज़ होगा? सिंपल, अगर प्लस में है फाइंड करना है तो आपने बस बी स्क्वायर प्लस 4 डाल देना है, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों फार्मूला में। आप कंपैरिजन करें कि पहले में बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट है, सेकंड वाले में बी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट है, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। आप अगर इसका क्वेश्चन देखते हैं इस ट्रिक के रिलेटेड, अब है एक्स की पावर 121 माइनस 1 ओवर ए 121 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे माइनस में क्वेश्चन गिवन है बी, यहाँ पे 6 और कहा जाता है कि इसका प्लस में आंसर फाइंड करें, आपने सिंपल फार्मूला लिखना है प्लस में, तो प्लस वाला फार्मूला लिख लिया, यहाँ पे बी की वैल्यू रिप्लेस कर दी, वहाँ पे 6 है तो 6 स्क्वायर रूट लिया, प्लस 4 ऐड किया और अंडर रूट लेके हमारे पास आंसर आ गया 40। आप चाहे तो लॉन्ग मेथड से भी इसको चेक कर सके, इसका आंसर सेम यही आएगा अंडर रूट 40। जो क्या सेकेंड क्वेश्चन है उसमें अब हमारे पास प्लस में क्वेश्चन गिवन, अब हमने माइनस में आंसर फाइंड करना है, तो आपने माइनस वाला फार्मूला लिखना है, सिंपल बी की वैल्यू पुट कर देनी, यहाँ पे 5 है, वाई 5 पुट कर दिया, उसका स्क्वायर रूट लिया, माइनस 4 हो गया, उसके बाद आपने इसको जब सॉल्व किया 25 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास अंडर रूट 21 आ गया। ये दोनों क्वेश्चन थे, दोनों ट्रिक से रिलेटेड थे जो आज हमने ट्रिक पढ़ी है, ट्रिक नंबर